कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते, ये चाकी भली पीस खाए संसार, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। उस इतिहास को याद करना गुनाह है, चाकू तेज करने की बात करना कोई गुनाह नहीं है, भगवा रंग का संविधान पेश करना गुनाह नहीं है। भाई आप कौन है इस देश में यह बात कहने वाले कि आप रह सकते हैं या आप नहीं रह सकते, जो उनके खेमेन में नहीं है उसको उसको बदनाम करो, उसको उसको खत्म करो, और जितने लोग उनके खेमे में हैं वो नफरत का व्यापार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह देश बिल्कुल बटा हुआ दो देश है, और शायद हम लोग का कुछ न कर पाना, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बजाय कहीं हम ही तो नहीं कैद हैं, अलग अलग दायरों में अलग अलग वजहों से। और जो लोग कैद हैं, जिनकी तस्वीरें अभी एक साथी ने कहा कि पहले हम लोग आते थे किसी और को छुड़ाने, अब ऐसा लग रहा है कि अपने ही कोई घर का उन तस्वीरों में दर्ज हो गया, तस्वीरें कम हुआ करती थी वो बढ़ती जा रही हैं। और सच बात ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग इस देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में अपने हक हुकूक के लिए लड़ने बोलने की वजह से कैद हैं, और शायद उनकी तस्वीरें भी, उन सब की तस्वीरें यहाँ नहीं हैं। और गुनाह क्या है, और सुन रहे थे हम भी, सुन रहे थे उस गुनाहों को जिनका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि इस मुल्क की अदालतें, इस मुल्क के निज़ाम और जितने भी किस्म के हुक्मरान हैं उन्हें ये दिख रहा है कि किसी किसी का गुनाह ये है कि वो CNRC जैसे कानून की मुखालफत करता है, और अपने लोकतांत्रिक हक के लिए वो बोलने लगे तो वो गुनाह है। कोई किसी के घर में किताब या कोई दस्तावेज बंदूक की तरह मिल रहा है वो गुनाह है। और एक और किस्सा आपने सुना अभी कि किसी पुलिस थाने में चोरी हो गई और किस चीज की चोरी हुई नहीं पता, चोरी हुई महाराष्ट्र में और वहां के बाद दिल्ली के एक प्रोफेसर को उठा लिया गया, और ये उनका गुनाह है जो उन्हें पता ही नहीं, ना उनके घर वालों को पता, चार्जशीट पर फाइल नहीं हुई रही है। ये सब गुनाह हैं, गुनाह है इस देश में क्रांतिकारी इस्तकबाल और इंकलाबी सलाम बोलना, गुनाह है इस देश में आदिवासियों के हक के लिए लड़ना, भीमा कोरेगांव की उस इतिहास को याद करना गुनाह है। मगर इस देश में चाकू तेज करने की बात करना कोई गुनाह नहीं है, घरों में तलवार रखे जाने की बात खुलेआम मंचों से करना गुनाह नहीं है। ऐसे दिल्ली में भारत के संविधान को तार तार करके जलाना और सेमिनार करके भगवा रंग का संविधान पेश करना गुनाह नहीं है। इसी देश में आज के वक्त धर्म संसद का नाम लेकर के एक सम्मेलन करना और उसमें घोर अधार्मिक और हिंसक बातें करना गुनाह नहीं है। इस देश में गुनाह की परिभाषा बदल गई है, और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी परिभाषा में हमें फक्र है उन गुनहगारों पर जो इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए जेल में। और इसलिए हमें जोखिम उठाना होगा, सच कहने का जोखिम, और जिन्होंने जोखिम उठाया उसी का तो खामियाजा वो भुगत रहे हैं। और सच बात यह है कि आप
मैं बतौर नागरिक जब इस तरह के कार्यक्रमों में पहले भी हम शामिल हुए हैं और अब भी जब भी आते हैं तो हमें लगता है कि हम तो कितनी सहूलियत में जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे हिस्से की लड़ाई कौन लड़ता हुआ कितने मुश्किल में है, उसका परिवार कितना कुछ झेल रहा है। जो हक की लड़ाई के लिए लड़ने गया उसे इतना झेलना पड़ रहा है, और जो हकमार बैठे हैं वो आबाद खुले घूम रहे हैं, वो देश लूट लें, वो सब कुछ कर लें, अब वो अपने लोगों को हुक्मरान बनाएं और इस मुल्क को बेच करके अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दें। और अब तो ऐसा हो रहा है कि जैसे सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल वही हैं, वो टीवी पर बैठकर इंटरव्यू देंगे कि कैसे इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जो हर तरह की बोलने वाली आवाजों को बिकते हुए बाजार में खरीद ले रहे हैं, उनका चैनल पर इंटरव्यू चलाया जाएगा। और दूसरी तरफ एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन है भाई इस देश में जो गैर राजनीतिक है, जो राजनीति नहीं करता, वो एक सांस्कृतिक संगठन है, और उसके मुखिया बोल रहे हैं कि हां हम इस देश में मुसलमानों को रहने देंगे, रह सकते हैं वो। भाई आप कौन है इस देश में यह बात कहने वाले कि आप रह सकते हैं या आप नहीं रह सकते? अभी तो आप वाला देश बना भी नहीं है जो अखंड भारत आप बनाना चाह रहे हैं। यह सब कुछ होता हुआ देखना और तब यह सोचना कि इस देश में संविधान कहां है, क्या कर रही है न्यायपालिकाएं, कहां खड़ा है वो कानून, वो चार्जशीट, वो मुकदमे, वो जेलें किसके लिए बनी थी और कौन कैद है। मैं ये सब सवाल दरअसल आपसे नहीं, अपने आप से पूछ रहा हूं। जब प्रोफेसर साईं बाबा का किस्सा सुना रही थी और मैडम ने ये कहा कि उनको ढंग से जेल में खाना मिले, इसके लिए जेल के बाकी साथी जब भूख हड़ताल करते हैं तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है या उनकी बुनियादी जो जरूरत है वो पूरी हो पा रही है, आप कल्पना करें कि कानून कहां है। हम इतिहास में पढ़ते थे कि भगत सिंह और उनके साथियों को जेल में अनशन करना पड़ता था, लड़ाई लड़नी पड़ी, कुर्बानी देनी पड़ी, और बहुत भावनात्मक बात है लेकिन सोचना होगा इस मुल्क के लोगों को, अगर आज भगत सिंह होंगे कहीं तो सोच रहे होंगे हम किनके लिए शहादत दिए, और ये देश बाकी मुल्क के जो अमन पसंद लोग हैं वो चुपचाप सब होता हुआ देख रहे हैं। कोई आदिवासियों के बीच से पत्रकार को उठा ले गया, कोई छात्र को विश्वविद्यालय से ले गया, कोई प्रोफेसर को ले गया, कोई आंदोलन करने वाले लोगों को ले गया, और बाकी देश में कोई हलचल ना हो तो फिर इससे किसको हिम्मत मिलती है? हिम्मत उन्हें ही मिलती है, वो चाहते हैं कि बारी बारी करके एक एक आवाज को खामोश कर देंगे। मुझे लगता है कि आज की इस बातचीत का एक मकसद तो शायद ये भी होगा कि इस दिल्ली के छोटे से कमरे की चार दीवारी के दूर, बहुत दूर देश के कोने कोने में शायद ये आवाजें जाएंगी, शायद उनके निर्जीव से पड़े जिस्म को झकझोरेंगी कि भाई आपके देश में क्या क्या हो रहा है, आप कब जागोगे। मैं इसी उम्मीद से यहां आया हूं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सच है कल कोई और तस्वीर थी, यहां एक आध तस्वीरें कम होंगी, कई तस्वीरें जुड़ेंगी और शायद उन्हीं में से कोई एक तस्वीर की जगह हमारे बीच के किसी व्यक्ति की तस्वीर अगली बार वहां होगी। और क्या शायद मतलब हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे चेगुवेरा की एक पंक्ति याद आती है कि उसने कहा कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी जो केवल इसलिए नहीं बोले कि हक के या सच की बात बोलेंगे तो मारे जाएंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बोलेगा वही सजा पाएगा, वही कैद होगा, जो नहीं बोला जाए बोल रहा है खामोश है, नंबर तो उसका भी आएगा। कोई चैनल बिक जाए, कोई कंपनी बिक जाए, कोई विश्वविद्यालय बिक जाए,
तो उस विश्वविद्यालय के बोलने वाले लड़ने वाले छात्र और प्रोफेसर ही नहीं उसके शिकार होंगे, जो खामोश होकर के मुंह उस विश्वविद्यालय प्रशासन और देश के प्रशासन के साथ खड़े थे वो भी तो उसके शिकार होंगे और हो रहे हैं। तो मैं केवल ये बात सोच रहा हूं और अपील और गुजारिश कर रहा हूं इस मुल्क के लोगों से कि आप कब क्या अपने 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 बारी का इंतजार कर रहे हैं। कैसा देश बनाया जा रहा है भाई, किस बात पर बहस होनी चाहिए? नफरत का व्यापार चारों तरफ। कोई टीवी एंकर कोई बयान दे दे कि भाई ये देखो ये व्यक्ति जो पुलिस वाले को मार दिया ये मुसलमान था और जिहाद का शिकार हो गया ये एएसआई, और कुछ दिन बाद कुछ ही घंटे बाद पुलिस आके बयान दे रही है भाई ये गलत तुम अफवाह उड़ा रहे हो, तुम पत्रकार हो, वो मुसलमान नहीं वो हिंदू है। ट्वीट डिलीट हो गया, काम खत्म, अगला शिकार की तलाश कर रहे हैं वो जो तलवार लेकर एंकरिंग करते हैं इस देश में। बड़ा बड़ा चिंतित हूं, परेशान हूं। हमारे विश्वविद्यालय में अब नए नए सिलेबस बन रहे हैं कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन धारा, इनको हम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या उसमें भारतीय चिंतन परंपरा धारा और इन सब में वो सारे सवाल पूछने वाले लोग शामिल होंगे या नहीं, और वो कौन सा भारत होगा जिसमें सच बोलने पर गुनाह ये मिल रहा है कि सजा मिलेगी आप जेल जाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, पता नहीं ये कार्यक्रम करके शायद यहां आने का एक फायदा केवल मुझे ये दिखता है कि हम सब एक दूसरे से हिम्मत लेते हैं और हिम्मत देते हैं। जिनके परिवार के लोग जेल में बंद हैं वो अगर अपनी बात खत्म करते करते ये बात कह के जाएं कि एक ऐसा सवेरा आएगा वो सारे लोग बाहर होंगे जो आज जेल में हैं, तो मुझे लगता है कि हमें यहीं से हिम्मत मिलती है। जब वो नहीं टूटे, जब वो नहीं टूट रहे तो हम क्यों टूटे? और शायद हम सब एक दूसरे को हिम्मत दे करके ही टूटने से बचा पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इतिहास, मैं अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था तो मुझे याद आ रहा था वही भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय संस्कृति, जिसमें जब कबीर कहीं किसी इतिहास के कोने में खड़े होकर सवाल कर रहे थे कि ऐसी दुनिया ऐसी बावली पाथर पूजे जाए, वो कबीर सवाल कर रहे थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ ताते, ये चाकी भली पीस खाए संसार, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। वो बार बार एक सवाल कर रहे थे कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, क्या कुछ नहीं कहा है। उस दौर में कौन हुक्मरान था, किसने क्या किया, उसे इतिहास भूल गया है। कबीर जो अकेला चला वो आज भी इतिहास में दर्ज है और वो याद किया जा रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये सारे हक की लड़ाई लड़ने वाले इतिहास में दर्ज रहेंगे, और जब भी 2022-23 का इतिहास पढ़ा जाएगा तो ये याद किया जाएगा प्रोफेसर साईं बाबा, प्रोफेसर हनी बाबू, खालिद सैफी, उमर खालिद और तमाम वो सारे आदिवासी दलित एक्टिविस्ट, मुसलमान एक्टिविस्ट, छात्र, प्रोफेसर हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए जेल में थे। और उस समय फिर एक सवाल और हमसे पूछा जाएगा कि हम बाहर थे तो क्या कर रहे थे, हम बाहर थे और हम ये जानते थे कि यह गलत हो रहा है तो हम क्या कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे पास नहीं होगा, और इसलिए मैं शायद इस मंच पर खड़ा होकर केवल खुद से एक अपील करना चाहता हूं कि यह न देखा जाए कि जुल्म कितना बड़ा है। मुझे याद आ रहा है हमारे दौर में सच बोलना गुनाह है, राजेश जोशी की कविता है, जो सच बोलेंगे मारे जाएंगे। और अभी का हकीकत यह है कि जो सच नहीं भी बोल रहे हैं उनके खेमे में नहीं है तो भी मारे जा रहे हैं। जो उनके खेमे में नहीं है उसको उसको बदनाम करो, उसको उसको खत्म करो, और जितने लोग उनके खेमे में हैं वो नफरत का व्यापार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका काम आसान है, उनका काम है नफरत का, उनका काम है लोगों को लड़ाने का, तोड़ने का। हिंदुओं को खुश करो, देखो हमने मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया, ये सच है भाई, इस देश में साफ तौर पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है।
कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको अखंड भारत बनाना है, इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको हम जेल में डाल देंगे और देखो मुसलमानों को हमने ठिकाने लगा दिया, आप हिंदू बनकर खुश हो गए। फिर अचानक दूसरा गेम कि ये देखो हमने आरक्षण खत्म कर दिया, सारे सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेच दिया, तुम अपर कास्ट हो तो तुम भी खुश हो लो, देखो हमने ये संविधान खत्म कर दिया। फिर तीसरी तरफ आप अगर अमीर हैं तो ये देखो गरीबों को हमने इतना कमजोर कर दिया है कि कहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अच्छे दिन, 15 लाख हर अकाउंट में, 2 करोड़ रोजगार, बुलेट ट्रेन, सब भूल जाओ, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज और 500 रुपए पर वोट देने के लिए मजबूर हैं, अमीरों खुश हो जाओ। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये देश बिल्कुल बटा हुआ 2 देश है और इसमें 90% आवाम को यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे दुश्मन देखो किसी धर्म के लोग हैं, किसी जाति के लोग हैं, किसी और तरह के लोग हैं, और सबको आपस में बांट करके ऐसे ही चुन चुन करके हमारे लोगों को कैद किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मंच से या इस मुहिम से एक आवाज ऐसी उठेगी, स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, और अब वो सारी लड़ाइयां गोलबंद होनी चाहिए। यही मुझे लगता है कि रास्ता यही है, हम सबको न्यूनतम सहमति पर एक बड़ी एका बनानी होगी, और न्यूनतम सहमति इस बात की कि हमें भारत के संविधान में भरोसा है, हम अपने मुल्क के आईन को बचाना चाहते हैं, हम इस मुल्क के इस पूरे रिवाज को बचाना चाहते हैं जिसमें साझी शहादत से साझा विरासत वाला एक भारत बना था, हम गरीब अमीर के बीच की खाई कम करना चाहते हैं, हम इस देश में महिलाओं को उनके हिस्से का हक देने के पैरोकार हैं, हम इस देश के आदिवासियों की लड़ाई में शामिल हैं, हम इस देश के दलितों की हर लड़ाई में शामिल हैं, हम इस देश के पिछड़े तबके के किसान, कामगार, जातियों और मजदूरों की लड़ाई में शामिल हैं, हम विद्यार्थियों की लड़ाई में शामिल हैं, तो क्यों ना आओ हम सब मिलकर एक दूसरे की लड़ाई में शामिल हों, और आज नहीं तो कल ये वक्त बदलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं जहां हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बात खत्म की वहीं मैं भी बात खत्म करना चाहता हूं कि उनकी जेलें टूटेंगे और हमारे साथी बाहर आएंगे, हम जीतेंगे, इसलिए लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।